नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। रेलवे ग्रुप डी के छात्रों के लिए काफी बड़ी अपडेट अभी आरआरबी भर्ती बोर्ड ने जारी कर दी है। जितने भी फेज 1, 2, 3 और 4 के हमारे छात्र रिजल्ट का और फाइनल आंसर की का वेट कर रहे थे, अभी आरआरबी भर्ती बोर्ड ने आप सभी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी जारी कर दी। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होगी तो अंत तक बने रहे और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन जरूर कर ले ताकि आगे भी अपडेट आप सभी तक पहुँचाया जा सके सबसे पहले बिल्कुल सटीक। रेलवे ग्रुप डी के छात्रों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आरआरबी भर्ती बोर्ड ने अभी एक लेटेस्ट अपडेट लेटेस्ट नोटिस जारी कर दी है। रेलवे ग्रुप डी की फाइनल आंसर की के साथ साथ अब आप सभी का फाइनल कट ऑफ भी जारी कर दिया जाएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड आप सभी लोगों का पूरा अपडेट जारी करने जा रहा है। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार इसी महीने नवंबर के अंत तक आप सभी लोगों का जो रिजल्ट है ऑफिशियल साइट पर आ जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं, आपको बता दें 20 नवंबर 2022 को आरआरबी भर्ती बोर्ड आप सभी लोगों की फाइनल आंसर की के साथ आप सभी लोगों का जो ऑफिशियल कट ऑफ होगा वो आरआरबी भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल साइट rrbcdg.gov.in पर जारी करने जा रहा है। वहीं आपको बताते हैं इस बार आप सभी लोगों के लिए काफी बड़ी खुशखबरी आ रही है। आप सभी की जो अटेंडेंस रही है वो 40% रही है। यह अपडेट जारी हो चुकी है। आपको बता दें इस बार अटेंडेंस का लेवल 40% रहा है जिसके चलते जनरल ओबीसी एससी और एसटी का कट ऑफ काफी ज्यादा गिरने जा रहा है। दो अपडेट और जारी कर दी गई है। आपको बता दें सबसे पहली अपडेट आप सभी लोगों के कट ऑफ पर है। आपको बता दें आधिकारिक अपडेट आई है जिसके अनुसार ये बताया जा रहा है इस बार जनरल वालों का कट ऑफ 65+ तक जाने की उम्मीद की जा रही है। वहीं बात कर लेते हैं ओबीसी कैंडिडेटों की तो यहाँ पे 60+ एक सेफ स्कोर बताया जा रहा है। एससी और एसटी की बात कर लेते हैं तो क्रमशः 55+ और 50+ तक इस बार कट ऑफ जनरल ओबीसी एससी और एसटी के छात्रों का एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इस बार बात कर लेते हैं आप सभी की फाइनल आंसर के साथ रिजल्ट की तो आप सब बता दें 20 नवंबर 2022 तक आप सभी का ऑफिशियल साइट rrbcdg.gov.in पर आप सभी का फाइनल आंसर की के साथ साथ रिजल्ट भी अपलोड कर दिया जाएगा। अभी आप सभी के लिए सबसे बड़ी अपडेट आ चुकी है। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार इस बार आप सभी के फिजिकल एग्जाम भी 20 नवंबर 2022 से आप लोगों को पूरी अपडेट जो है ऑफिशियल साइट पर अपलोड कर दी जाएगी। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार 20 दिसंबर 2022 से आप सभी के जो फिजिकल एग्जाम है वो आधिकारिक वेबसाइट पर आपका पूरा शेड्यूल 20 दिसंबर 2022 को आ जाएगा और दिसंबर में ही आप सभी के जो फिजिकल एग्जाम है वो शुरू कर दिए जाएंगे। रेलवे ग्रुप डी के छात्रों का वेट खत्म होता हुआ फाइनल आंसर की आप सभी लोगों की आधिकारिक वेबसाइट पर आप लोगों को इसी महीने आधिकारिक साइट पर देखने को मिलेगी। 20 नवंबर 2022 तक आप सभी की फाइनल आंसर की ऑफिशियल साइट पर अपलोड कर दी जाएगी। वहीं आप सभी बता दें इस बार आप सभी का रिजल्ट भी 28 नवंबर 2022 तक ऑफिशियल साइट rrbcdg.gov.in पर देखने को आपको मिलेगा। काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। लगातार छात्र यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स से रिलेटेड क्वारीज भी पूछ रहे थे तो आपको बता दें एक और काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। इस बार आप सभी लोगों का जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है जनरल वालों को यहाँ पे 40% स्कोर करना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं अगर हम ओबीसी कैंडिडेटों की बात कर लें तो यहाँ पे आप लोगों को 35% स्कोर करना अनिवार्य है। वहीं एससी और एसटी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे क्रमशः आपको 30% स्कोर करना अनिवार्य है। ईडब्ल्यूएस की और जनरल वालों का यहाँ पे जो क्राइटेरिया रखा गया है क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे 40% रखा गया है, यानी कि 40% अगर आपके नहीं होंगे तो उस स्थिति में आपकी कॉपी भी चेक नहीं की जाएगी। कैटेगरी वाइज कट ऑफ एक तरीके से जारी हो चुकी है। फाइनल आंसर के साथ साथ ऑफिशियल यहाँ पे आप लोगों का जो कट ऑफ होगा वो भी 200 आधिकारिक साइट rrbcdg.gov.in पर अब जारी हो जाएगा। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार 28 नवंबर 2022 तक आप सभी का रिजल्ट भी अब अपलोड कर दिया जाना है। अपडेट आ रही 2023 के शुरुआती महीनों में आप लोगों का 2023 के जनवरी, फरवरी और मार्च में इन 3 महीनों में आप सभी की जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है ये भी शुरू कर दिया जाएगा रेलवे भर्ती बोर्ड।